सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन। दोनों के गले मिलने वाली ये तस्वीर पिछले महीने की है, लेकिन आज की खबर ये है कि अब ये दोनों सियासी अखाड़े में उतरकर औपचारिक रूप से पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रही हैं। नमस्कार, मैं सुनीता केजरीवाल। पहले बात सुनीता केजरीवाल की करते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता कल से दिल्ली में पार्टी उम्मीदवारों के लिए पहली बार रोड शो करने जा रही हैं। देखिए, वो अरविंद केजरीवाल जी के लिए आशीर्वाद मांगने जा रही हैं। दिल्ली के लोगों का प्यार, दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। और कल जब वो ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट में जाएंगी, परसों जब वो वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट में जाएंगी, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग उनको अपना आशीर्वाद देंगे, अरविंद केजरीवाल जी को अपना आशीर्वाद देंगे और आम आदमी पार्टी को वोट। सुनीता कल पूर्वी दिल्ली में रोड शो करके कुलदीप कुमार के लिए वोट मांगेंगी। इसके बाद वो पंजाब, गुजरात और हरियाणा में भी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगी। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद सुनीता केजरीवाल ने ही पार्टी की तरफ से कमान संभाली थी। दिल्ली और रांची में जब विपक्षी गठबंधन की रैलियां हुई तो दोनों रैलियों में सुनीता केजरीवाल शामिल हुई थी। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी परिवारवाद की राह पर चल पड़ी है। जितना भ्रष्टाचार और जितना परिवारवाद को बढ़ावा इन पार्टियों ने दिया, किसी ने नहीं दिया। कल तक यही संजय सिंह नारा लगाते थे कि फॉर्मूला से लेकर स्टालिन तक सब परिवारवादी हैं। आज अपनी पार्टी के अंदर सुनीता भाभी को आगे बढ़ा रहे हैं, सुनीता केजरीवाल को आगे बढ़ा रहे हैं, तो दिखता है कि ये पार्टी पूरा का पूरा यूटर्न ले चुकी है अपनी मूल सोच से, जो कि इनकी सोच थी परिवारवाद और भ्रष्टाचार के विरोध में। आज ये खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। उधर झारखंड में सत्ताधारी जेएमएम ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को उपचुनाव में उम्मीदवार बना दिया है। कल्पना सोरेन अपने पति और जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से ही पार्टी का कामकाज देख रही थी। पार्टी उम्मीदवारों के लिए कल्पना लगातार रैलियां कर रही हैं और अब गांडे सीट से उपचुनाव में उतरकर चुनावी डेब्यू करने जा रही हैं। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चर्चा थी कि कल्पना सोरेन सीएम बन सकती हैं, लेकिन परिवार और पार्टी में विवाद की वजह से कल्पना सीएम नहीं बन पाई और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब कल्पना के विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। झारखंड में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में हेमंत सोरेन अगर जेल से बाहर नहीं निकलते तो कल्पना सोरेन सीएम का चेहरा हो सकती है।